हेलो क्लास सेवन, आज हम आपका हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 4 करेंगे। अभी सभी अपनी अपनी ये आपकी हिंदी व्याकरण बुक है, जल्दी से आप अपनी बुक्स को ओपन करेंगे। ओके, आपको जैसे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपका पार्ट 4 है, संख्या। ठीक है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी किया होगा। संख्या एक कॉमन टॉपिक है जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे कि ताकि आप संख्या शब्द संख्या के टॉपिक्स में आप आगे जाके मिस्टेक्स ना करें। ओके, नाउ संख्या का अर्थ है नाम, जो संसार में हर प्राणी, वस्तु या कोई स्थान या भाव आदि का कोई भी नाम अगर होता है तो उन्हें संज्ञा का रूप दिया जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जैसे प्राणी कौन हो गया, अजय, अजय एक प्राणी है तो वो हमारा संज्ञा शब्द हो गया। हाथी, चूहा, ठीक है, ये हमारे प्राणी हैं सारे। और वस्तु जैसे हमारी कुर्सी, मेज, कलम, ये हमारी वस्तुओं के नाम हो गए। और स्थान जैसे हमारा दिल्ली, आगरा, मथुरा, नेपाल, ठीक है, ये हमारे क्या है, आपके स्थान के नाम है। और नेक्स्ट है आपका भाव, सौंदर्य या बचपन, जिन्हें आप छू नहीं सकते लेकिन आप उनको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और आपके संज्ञा के प्रकार आ गए। आप ठीक है, कितने प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति से आपको पता लग रहा है, यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का अगर आपको बोध हो रहा है, पहचान हो रही है उस शब्द से, तो आपको आप उसे क्या कहेंगे, तो आप उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम देंगे। जैसे आपका कौशल हो गया, या आपके किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली, जगह का नाम आ गया, लाइक आपका ताजमहल हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, और नेक्स्ट आपका टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक में क्या होता है कि जिस शब्द से एक ही जाति के सब पदार्थों का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आपके पास मैं बोलती हूँ यह मेरा कुत्ता है, ठीक है, आप मेरा कुत्ता तो है लेकिन मैंने उसकी कैटेगरी कुछ नहीं बताई थी, वो शेफर्ड है, बुलडॉग है, या वो कोई और जर्मन शेफर्ड है। अगर मैं उसका प्रॉपर नाम बता देती तो वो हमारा व्यक्तिवाचक, लेकिन हमारे जो डॉग है, कुत्ता जो है हमारा, बहुत सारी जातियों में उपलब्ध होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे कुत्ता शब्द को। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या होता है कि जिस संज्ञा से पदार्थों के गुण, किस तरीके का वो है, स्वभाव, दोष, स्थिति या व्यापार आदि का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका बुढ़ापा, प्यास, ईर्ष्या, यौवन इत्यादि आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक, और नेक्स्ट आपका टॉपिक है समुदायवाचक। समुदाय यानी आपका कलेक्टिव नाउन। समुदाय का मतलब है एक आपका इकट्ठा, एकत्रित करके किसी टीम के बारे में या कोई किसी ग्रुप के बारे में, समूह के बारे में कोई ज्ञान हो रहा है, आपको ज्ञात होता है, तो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका पुस्तकालय, पुस्तकालय शब्द आपका क्या है, जहाँ पर आपकी बहुत सारी बुक्स मिलती हैं। कक्षा, कक्षा क्या है आपकी, जहाँ पर बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, मेला हो गया, सेना हो गया, ये सभी हमारे एक समुदाय को शो कर रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा समुदायवाचक संज्ञा। और नेक्स्ट है हमारा पदार्थवाचक। पदार्थ या आप द्रव्य भी बोल सकते हैं इसे, एक धातु या आपका बोला जाएगा हिंदी इंग्लिश में आप बोलेंगे उसे मटेरियल नाउन। और जिससे आपके पदार्थ या किसी द्रव्य का बोध हो, आपका जैसे हो गया तेल, चांदी, सोना, जल, डीजल, ये सभी चीज़ें हमारी पदार्थ में आती हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो। ठीक है, हमें इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो किसी पदार्थ का नाम होना चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे आपका फर्स्ट है आपका, आपको सामने स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है बच्चे, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में, जैसे आपका मित्र है तो आपका क्या हो गया, मित्रता। ठीक है, और आपका जैसे है बच्चा, बच्चे का क्या हो गया आपका, बचपन, तो ये आपने संज्ञा को भाववाचक में बना लिया इन शब्दों को।
ठीक है। और नेक्स्ट आपका है विशेषण। अब विशेषण से भाववाचक में आपने जैसे मधुर का मधुरता, सरल का सरलता, कठिनता, इस तरीके से। और यह आपके अपना पराया निज, आपके जो सर्वनाम शब्द हैं इनसे आपने भाववाचक पन लगा के या त लगा के इनको पूरा किया है। जैसे आपका है अहन का अहंकार हो गया। और आपकी क्रिया शब्द है यहाँ पे जैसे हारना हार हो गया आपका, जीतना से जीत, उड़ना से उड़ान, धोना से धुलाई, इस तरीके से ये आपने सभी को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया है। और आपका इस तरीके से अगला है आपका अव्यय। अव्यय आपके मना, वाहधिक, समीप, निकट, इनसे आपने भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए हैं, आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ हमने ये लेसन यहाँ कंप्लीट किया है। अब मैं आपको आपकी आंसर की शो कर रही हूँ, जहाँ से आपको अपने आंसर्स कंप्लीट करने हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपका ये उत्तर देने हैं क ख ग और घ ड, ये आपके 5 आंसर्स यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे आपने सही तथा गलत लिखने हैं, मैंने आंसर शो किए हैं आपको, यहाँ से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। और आपका प्रश्न 3 है संख्या बनाएं, यहाँ से आपने क्या किया है, जो आपके शब्द दिए हैं यहाँ से आपने उनको संख्या बनाया है शब्दों को, और इसे भी यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे। आप अपना सारा बुक वर्क एंड कॉपी वर्क सारा कंप्लीट करेंगे अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स में। ओके क्लास, बाय देन।